यही वजह है कि पुतिन बेहद कम वक्त में यूक्रेन को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। रूस के इतने ज्यादा हमले से नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। आखिर रूस के पास इतने ज्यादा हथियार आए कहां से? रूस न सिर्फ हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है बल्कि उसे नॉर्थ कोरिया और ईरान से भी भारी संख्या में हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन ने भी इस बात की आशंका जताई कि ईरान ड्रोन के अलावा रूस को मिसाइल भी भेज रहा है। अभी तक ईरान रूस को 400 से ज्यादा मिसाइलें दे चुका है जिसमें 100 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है जिनकी रेंज 300 से 700 किलोमीटर है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी हथियारों की खेप भेज रहा है। किम की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा है। कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया पिछले साल से अब तक गोला बारूद के 10,000 कंटेनर भेज चुका है। इसके अलावा रूस खुद भी तेजी से हथियार बना रहा है। खास बात यह है कि रूस ने अपनी ICBM को साइलो में अलर्ट मोड पर रख दिया है। ऐसे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस ब्रिटेन पर एटमी हमला कर सकता है क्योंकि इस बार यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन सबसे आगे है। क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में घिरा हुआ है। इस बीच अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो रूस हमला जरूर करेगा और यूरोप में परमाणु युद्ध का ज्वालामुखी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और डोनेस्क में रूस का मिसाइल हमला, बड़ी खबर। मिसाइल विस्फोट से रेलवे स्टेशन तबाह हो गया, कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। तो अब तक रूस सिर्फ नेटो देशों से यूक्रेन आ रहे हथियारों से फिक्र में था, लेकिन अब रूस को यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का सबूत मिला है। रूस ने कुछ अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार भी किया है। रूस का दावा है कि नेटो देशों से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए सेना की कई टुकड़ी भेजी गई। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। रूस के 8 फाइटर जेट और एक सर्विलांस विमान को गिरा दिया गया था और रूस को अब शक है कि यूक्रेन की आक्रामकता के पीछे अमेरिका के सैनिक है। दुनिया की सबसे तेज तर्रार फौज, महीनों की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जमीन, हवा और पानी में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जमकर लड़ना सिखाया जाता है। अलग अलग तापमान, अलग अलग हालात और हर बड़ी चुनौती से भिड़ने में ट्रेंड किया जाता है। ये तस्वीरें अमेरिकी सेना के कमांडो ट्रेनिंग की है। अमेरिका को अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है तो इसकी एक वजह US आर्मी भी है। जरा सोचिए, अगर यूक्रेन में US आर्मी के जवान युद्ध लड़ेंगे, अगर रूस के सैनिकों का सामना अमेरिकी फौज से होगा, यकीनन मुकाबला बेहद कड़ा हो जाएगा और रूस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। रूसी सेना के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि ऐसा होने वाला नहीं बल्कि हो चुका है।
रूस ने वीडियो जारी किया है। दावा है कि जमीन पर बैठे ये तमाम सैनिक यूक्रेनी नहीं बल्कि अमेरिकी हैं। रूस की सेना ने इन्हें युद्ध के दौरान यूक्रेन से बंदी बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अमेरिकी सेना की कई टुकड़ी भेजी गई है। अमेरिकी सैनिक यूक्रेनी फौज की वर्दी में लड़ रहे हैं। फ्रांस से सैनिकों के भेजे जाने के कई सबूत मिल चुके हैं। नाटो की सेना ने यूक्रेन में मोर्चा संभाल लिया है। तो यूक्रेन को नीदरलैंड से वेरा एनजी रडार सिस्टम मिल रहा है। इस रडार में तीन रिसीवर एंटीना होते हैं जो 360 डिग्री पर निगरानी करते हैं। ये किसी भी फाइटर विमान या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को 400 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। ये समुद्र में मौजूद युद्धपोत के हर मूवमेंट की जानकारी देता है। 1 से 5 सेकंड के भीतर इसका डेटा अपडेट होता रहता है। 360 डिग्री पर निगरानी की वजह से ये हवा से लेकर जमीन तक मौजूद दुश्मन की जानकारी देता है। ये दुश्मन के टैंकों की मूवमेंट को भी बताता रहता है। खास बात है, इस रडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलती, जिसकी वजह से इसे दुश्मन तलाश नहीं सकता है। रडार सिस्टम के तीनों रिसीवर एक कमांड सेंटर को पल पल की जानकारी भेजते रहते हैं और इस कमांड सेंटर से एयर डिफेंस को चलाने वाली यूनिट तक जानकारी पहुंचती रहती है। यानी रडार की मदद से सेना किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना साध सकती है। यानी अब रूस का युद्ध पोत काला सागर में गश्त कर रहा या फिर क्रीमिया के तट से किसी युद्ध पोत की मूवमेंट, अजोव से कोई बॉम्बर या फाइटर टेक ऑफ करे या फिर कामिकाजी ड्रोन यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़े। यूक्रेन को नीदरलैंड्स के रडार से हर जानकारी मिलती रहेगी और मिसाइलों से यूक्रेन कभी भी सटीक निशाना साधने में कामयाब रहेगा। कुछ दिन बाद ही यूक्रेन के पास F-16 फाइटर जेट भी होगा। यानी यूक्रेन को रडार से सटीक जानकारी मिलेगी और फिर F-16 उसका काम तमाम करके वापस लैंड कर जाएगा। रूस वेरा एनजी रडार और F-16 की खतरनाक जोड़ी से डरा हुआ है। रडार पल पल दुश्मन के जेट की जानकारी भेजता रहता है। F-16 का पायलट हवा में बिना दुश्मन के करीब गए सटीक निशाना लगा सकता है। तो यूक्रेन के नए सेनाध्यक्ष का काउंटर अटैक प्लान लीक हो गया है। साइरस्की ने क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। उन्होंने ये टास्क क्रीमिया के तातर लड़ाकों को सौंपा है। इस बात की जानकारी क्रेमलिन तक पहुंची तो क्रेमलिन ने भी अपना काउंटर प्लान एक्टिवेट कर दिया। अगर क्रीमिया ब्रिज पर धमाका हुआ तो पुतिन की सेना सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में तबाही का तूफान लेकर आएगी। युद्ध के 2 साल बीतने के साथ ही यूक्रेनी सेना का नया काउंटर अटैक शुरू हो गया। तीन दिनों से यूक्रेनी सेना कई मोर्चों पर जबरदस्त हमले कर रही है। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन रूस के 7 लड़ाकू विमान, 1 सर्विलांस विमान, 6 हथियार फैक्ट्रियों को जला चुका है। इसी के साथ ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध में यूक्रेनी सेना की वापसी हो चुकी है। New counteroffensive, new operation, and of course it's not. I'm not speaking that we will just stay. Of course it depends on a lot of things. Ah yes, I'm John shouted that. So will Ukrainians survive without Congress support? Of course, but not all of us. And if we understand this price. ज़ेलेंस्की के इस घोषणा के साथ ही यूक्रेन का काउंटर अटैक प्लान लीक हो गया। यूक्रेनी सेना क्रीमिया ब्रिज को उड़ाना चाहती है।
इसके लिए यूक्रेन के नए सेनाध्यक्ष साइरस्की ने खतरनाक रणनीति बनाई। क्रीमिया ब्रिज पर धमाका हुआ, वो बर्बाद हुआ तो रूसी सेना का सप्लाई रूट कट जाएगा और इसी के साथ यूक्रेन को जंग में बढ़त मिल जाएगी। क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने का सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया गया है बल्कि साइरस्की ने इस प्लान को लॉन्च भी कर दिया है। क्रीमिया के सेवेस्टोपोल में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से कई धमाके किए। यूक्रेनी सेना के ब्लास्ट से रूसी फौज दहल गई। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए, एक दर्जन जवान घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए कई एम्बुलेंस पहुंचे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन सेवेस्टोपोल में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर रहा है। रूस की रक्षा प्रणाली को खत्म करने के बाद यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज को उड़ा सकता है। यूक्रेन के नए सेनाध्यक्ष ने क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की जिम्मेदारी क्रीमिया के तातर लड़ाकों को दी। तातर लड़ाकों के चीफ मुस्तफा जेमिलेव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके फाइटर ब्रिज को उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मौका मिलते ही बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हम ब्रिज को उड़ाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ रेडी है। हम क्रीमिया ब्रिज को किसी भी वक्त तबाह कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा तब करेंगे जब इसकी जरूरत होगी। इस बीच अमेरिका के रिटायर्ड जनरल बेन होजेज ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि क्रेमलिन यूक्रेनी सेना को हल्के में लेने की गलती नहीं करे। 6 ऐसे रास्ते हैं जिस पर जेलेंस्की सेना पुतिन पलटन को परास्त कर सकती है। अमेरिकी जनरल के मुताबिक सबसे पहले यूक्रेन को क्रीमिया में विध्वंसक हमला करना होगा। यही प्लान साइरस्की ने भी बनाया है। इसके बाद रूस की ब्लैक सी फ्लीट को कमजोर करना होगा, साथ ही रूस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना होगा, ऑयल डिपो को जलाना होगा, नए जवानों की भर्ती और तैनाती करनी होगी, जेलेंस्की को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा। इसके अलावा यूक्रेनी सेना की लीडरशिप को एक साथ मिलकर काम करना होगा। अमेरिकी जनरल बेन होजेज ने दावा किया है कि अगर यूक्रेनी सेना इन 6 रास्तों पर चली तो रूस की हार तय। क्रेमलिन को भी यूक्रेन के क्रीमिया प्लान की जानकारी मिल गई। यही वजह है कि रूस ने भी इसका बदला लेने की तैयारी कर ली। यूक्रेन अगर क्रीमिया ब्रिज को उड़ाएगा तो जवाब में रूसी सेना जेपोरिजिया परमाणु प्लांट में धमाका करेगी। इससे यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा। ये रेडिएशन बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाएगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के चीफ जनरल राफेल ग्रोसी ने ऐलान किया है कि जेपोरिजिया प्लांट में पिछले कुछ दिनों से हर रोज धमाके हो रहे हैं। ये धमाके रूसी सेना कर रही है। ये इस बात का संकेत है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज को उड़ाया तो रूस जेपोरिजिया प्लांट पर मिसाइल डाल देगा और फिर युद्ध के मैदान में अनर्थ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पुतिन के कट्टर विरोधी नवेली की मौत से जुड़ा एक और राज सामने आया है। रूस के मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है नवेली की मौत एक मुक्के के लगने से हुई है, लेकिन वो पंच किसी सामान्य आदमी का नहीं बल्कि एक KGB एजेंट का था। यानी पहले CCTV कनेक्शन काटा, फिर नवेली को मार डाला। अभी तक क्रेमलिन ने इस बारे में कोई बात नहीं की है, बल्कि यूरोपीय यूनियन की इंटरनेशनल जांच की मांग से भी इनकार कर दिया है। साथ ही नवेली के परिवार वालों को भी परेशान किया जा रहा है। नवेली के भाई पर भी केस दर्ज किया गया है। नवेली के भाई ओलेग नवेली का नाम भी वांटेड की लिस्ट में डाल दिया गया है। उन पर एक नया केस दर्ज किया गया है। ओलेग नवेली इस वक्त साइप्रस में, वो 2021 से रूस नहीं लौटे। इस बीच रूस ने यूरोपियन यूनियन की मांग ठुकरा दी है, जिसमें नवेली की मौत की अंतरराष्ट्रीय जांच के लिए कहा गया था। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया है,
अब इसे उचित नहीं ठहरा सकते, खास तौर से यूरोपियन यूनियन की तरफ से उठाई गई मांगों को। जबकि इससे पहले रूसी संसद के स्पीकर वोलोदिन ने नवेलनी की मौत के पीछे वॉशिंगटन और ब्रसेल्स को बताया था। यानी नवेलनी की मौत का राज लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच उनके समर्थकों का प्रदर्शन भी तेज हो गया है, जो इसे हत्या बता रहे हैं। अब मानवाधिकार संगठन गुलागू.net ने कहा है कि नवेलनी की मौत एजीबी के स्पेशल पंच से हुई है। पुतिन के जासूसी करियर के दौरान उसे पुतिन पंच कहा जाता था। नवेलनी को पहले केजीबी एजेंट ने सीने पर पंच मारा, फिर करीब दो घंटे के लिए -30 डिग्री जमा देने वाली ठंड में छोड़ दिया गया। जबकि सामान्यतः जेल में कोई भी कैदी एक घंटे तक ही बाहर रह सकता है। मौत होने के बाद नवेलनी के शरीर पर लगी चोटों को छुपाया गया, उनके शव को पूरी तरह ढक दिया गया। ये जानकारी जेल के एक कैदी ने बताई है। वन पंच तकनीक रूसी स्पाई एजेंसी केजीबी पहले से इस्तेमाल करती आई है, जिसमें कैदी को मार दिया जाता है, जिसमें मारे जाने का कोई सबूत या निशान नहीं मिलता था। जबकि इससे पहले खबर आई थी कि मौत से पहले नवेलनी की जेल का सीसीटीवी कनेक्शन काट दिया गया था। नवेलनी समर्थकों को शक है कि क्रेमलिन इस बात का इंतजार कर रहा है जिससे हत्या के सबूत मिट जाएं और लोग इसे आसानी से मौत मान लें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और गाजा में तबाही मचा रहे इजरायल ने अब एक नया प्लान तैयार किया है। अब इजरायल गाजा के अलावा वेस्ट बैंक से भी ईरानी समर्थित संगठनों का पूरी तरह सफाया करेगा। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि जॉर्डन से लगती सीमा को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा और वेस्ट बैंक में ऑपरेशन क्लीन के जरिए ईरानी मिलिशिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। गाजा में तबाही जारी है। नेतन्याहू ने ठान लिया है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका बाकी है, वो इसी तरह गाजा में बम बरसाते रहेंगे। इतना ही नहीं, तबाही का ये दायरा वेस्ट बैंक तक बढ़ता जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के युद्ध के बीच आगे की रणनीति के बारे में खुलासा किया है। बेंजामिन ने कहा है, हमास के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद इजराइल जॉर्डन नदी के पश्चिम के पूरे क्षेत्र पर सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करेगा। यानी इजराइल उसी तरह की नाकाबंदी वेस्ट बैंक में करना चाहता है जैसा कि उसने गाजा में की हुई। यानी नेतन्याहू गाजा की तरह वेस्ट बैंक का खात्मा करके उसे इजराइल में मिलाने पर काम कर रहे हैं। वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिम में पड़ता है जहां इजराइल की सीमा लगती है। यूएन ट्रीटी के मुताबिक इजराइल की सेना जॉर्डन नदी से आगे नहीं जा सकती और उधर हिजबुल्ला और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी जॉर्डन नदी को पार करके वेस्ट बैंक से आगे नहीं आ सकते। लेकिन इजराइल ने हमास से युद्ध खत्म होने के बाद वेस्ट बैंक में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, जिससे ईरानी प्रॉक्सी भड़क गए। इसराइल के प्लान के बाद हमास और हिजबुल्ला ने हमले तेज कर दिए। दोनों फ्रंट पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला ने इसराइल बॉर्डर वाले इलाकों पर मिसाइलें दागी। कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर भी गिरी, जिसके जवाब में इसराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर डाला। इस बीच वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कई जगह पर जबरदस्त भिड़ंत भी हुई। अधिकतर ऑपरेशन रात में किए जा रहे हैं। इसी तरह गाजा में खान यूनिस और राफा बॉर्डर के रिफ्यूजी कैंप में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
इसराइल के इन हमलों पर ईरान ने युद्ध की धमकी दे डाली। अगर ईरान युद्ध में उतरता है तो अरब में महायुद्ध तय। अगर ईरान की ताकत की बात करें तो ईरान के पास 5,75,000 सैनिक है, जबकि रिजर्व सैनिक 3,50,000 है। ईरान के पास 4,071 टैंक है, जबकि 541 फाइटर एयरक्राफ्ट है। ईरान के पास 19 सबमरीन भी है और 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम फतह मिसाइल है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 450 किलो है। खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 1500 किलो है। इसमें भी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके अलावा शहाब मिसाइल से ईरान केमिकल अटैक कर सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर जबकि 700 किलो पेलोड क्षमता है। इसके अलावा अमेरिका को शक है कि ईरान ने चोरी छिपे एटमी पावर हासिल कर ली। अगर ये सच साबित हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के लिए बड़ी मुसीबत वाला वक्त है, क्योंकि ईरान का साथ देने के लिए चीन और रूस तैयार है, यानी सीधे तौर पर अरब में महाशक्तियों में टकराव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। और फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।